दोस्तों सबसे पहले आप इस अनबिलीवेबल वीडियो को देखिए। ये वीडियो इंग्लैंड में तब रिकॉर्ड हुई जब एक छोटी सी बिल्ली खाई में गिर जाती है। दरअसल उस मैनमेड खाई की बनावट ऐसी होती है कि वहां से बिल्ली का वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन तभी एक आदमी की नजर उस बिल्ली के ऊपर पड़ जाती है और वो आदमी बिल्ली की तरफ एक रस्सी फेंकता है। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे हैरतअंगेज तरीके से वो बिल्ली समझ जाती है कि रस्सी उसे बचाने के लिए फेंकी गई है और बिल्ली बिना देर किए उस रस्सी को कसकर पकड़ लेती है, जिसके बाद ऊपर मौजूद आदमी उस रस्सी को धीरे धीरे खींचने लगता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे आखिरकार वो बिल्ली ऊपर आई जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ दिल को सुकून दिलाने वाले वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जब किसी जानवर को इंसानों की मदद की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो भारत के उस गांव की है जहां पर एक बच्चा बकरी का बहुत ही पतले से गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा इतना ज्यादा पतला और गहरा होता है कि वहां से बकरी के बच्चे का निकल पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन तभी उस बकरी के ऊपर वहां मौजूद कुछ बच्चों की नजर पड़ जाती है, जिसके बाद उनमें से एक बच्चा अपने सिर की तरफ से उस गड्ढे में घुस जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कारनामा कितना खतरनाक है। लड़का बकरी के उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस गड्ढे में सिर के बल अंदर चला जाता है और बाहर से उसके दोस्त उसके पैरों को कसकर पकड़ते रहते हैं। जैसे ही अंदर से आवाज आती है उसने बकरी को पकड़ लिया है, बाहर मौजूद उस बच्चे के सभी दोस्तों से बाहर खींच लेते हैं और इस तरह से बकरी के बच्चे की जान बच जाती है। खैर जो भी हो, इन बहादुर बच्चों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अब हम आपको जिस वीडियो को दिखाने जा रहे हैं ये वीडियो भी हमारे भारत की ही है। ये वीडियो हैदराबाद की बताई जा रही है जहां पर सड़क के किनारे लगे कैमरा के खंभे पर कबूतर का टांग फंस जाता है। कबूतर काफी कोशिश करते हैं लेकिन उससे आजाद नहीं हो पाते, जिसके बाद वहीं मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस की नजर उस कबूतर के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस तुरंत अपना जूता खोलता है और उस पर चढ़ने लगता है। ट्रैफिक पुलिस अपनी परवाह किए बिना तुरंत उस खंभे के ऊपर चढ़ जाता है, कबूतर को आजाद कर देता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इतने पतले खंभे पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं। कबूतर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहां से छूटते ही तुरंत भाग जाता है। वैसे आप ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना। वैसे तो कुत्ते को दुनिया का सबसे समझदार जानवर कहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुत्ते बेवकूफी भी कर जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख लीजिए। न जाने क्यों एक कुत्ता एक बहुत ही बड़े डैम के ऊपर चढ़ जाता है और कुत्ता उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से तेज रफ्तार पानी बह रही होती है। वहां तक पहुंचने के बाद अब कुत्ता उस हालत तक पहुंच जाता है कि वहां से ना तो वापस आ सकता है ना ही आगे जा सकता है, और गलती से अगर कुत्ते का पैर वहां से फिसल जाए और उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी रेस्क्यू करने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं। एक आदमी अपने आप को रस्सी से बांध कर धीरे धीरे कुत्ते के पास जाता है और उस कुत्ते को पकड़ कर वापस खींचने लगता है। अगर रेस्क्यू करने वाले लोग समय पर ऐसा नहीं कर पाते तो उस कुत्ते की जान चली जाती है। दोस्तों अब आप वीडियो को देखिए जो कनाडा में रिकॉर्ड की गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं घर की छत के ऊपर छोटा सा छेद है जिसमें रैकून अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन छेद इतना छोटा होता है कि रैकून उसके अंदर घुस तो जाता है लेकिन फंस जाता है और इतने बुरे तरीके से फंस जाता है कि वो ना तो अंदर जा पाता है ना ही बाहर आ पाता है। लेकिन तभी घर के मालिक की नजर उस पर पड़ जाती है और वो तुरंत उस रैकून को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद लगभग आधे घंटे लग जाता है और उस रैकून को वहां से बाहर निकलने में। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही वो रैकून बाहर निकलता है वो मालिक के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करता है। दरअसल वो रैकून बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब आप इस वीडियो को देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड की गई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं एक बतख है और साथ में एक बच्चा है, लेकिन आपको बता दें इस बतख के कई बच्चे थे जो रोड क्रॉस करते वक्त सड़क के किनारे बने एक नाले के अंदर गिर जाते हैं। नाले के ऊपर लगी जाली का छेद इतना छोटा होता है कि बतख की माँ कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन तभी वहां से गुजरने वाले दो पुलिस वालों की नजर उस बतख के ऊपर पड़ जाती है और पुलिस वाले ध्यान देते हैं कि नाले के अंदर से बतख के बच्चों की आवाज आ रही है। पुलिस वाले तुरंत उस नाले का ढक्कन खोलते हैं और सभी बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वाले बतख के बच्चों को बाहर निकालने के बाद बतख सहित इनके सभी बच्चों को वापस पास के एक तालाब में छोड़ देते हैं। दोस्तों गिलहरी को तो आप जानते ही होंगे, अब जरा देखिए कैसे गिलहरी को इंसानों के द्वारा हेल्प किया गया। दरअसल हुआ ये कि एक गिलहरी पता नहीं कैसे एक नेट में फंस जाती है। गिलहरी इतने बुरे तरीके से फंस जाती है कि वो एकदम लाचार हो जाती है। लेकिन तभी वहां मौजूद दो लोगों ने उस गिलहरी को जाल में फंसा हुआ देख लिया। वो लोग तुरंत उस गिलहरी को पकड़ते हैं और घर लेकर चले जाते हैं।
जिसके बाद बहुत ही ध्यान से जाली के सभी तारों को काटा जाता है। जब गिलहरी को जाली से फ्री कर दिया गया तब गिलहरी को अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया गया। जब गिलहरी एकदम फिट हो गई तो वो दोनों उसे वापस छोड़ने के लिए चले गए, लेकिन गिलहरी थी कि वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। मानो उस गिलहरी को लग रहा हो कि वो उन दोनों लोगों के पास ही महफूज है। वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे वे दोनों उस गिलहरी को छोड़ते हैं, गिलहरी वापस से उनके ऊपर ही चढ़ जाती है। दोस्तों अब हम आपको जिस वीडियो को दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका दिल पसीज उठेगा। दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाथी है और एक बड़े शांत तरीके से वहां मौजूद टूरिस्ट की गाड़ी के पास आकर खड़ा है। जैसे ये हाथी टूरिस्ट के गाड़ियों के पास आता है टूरिस्ट डर जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट ध्यान देते हैं कि हाथी एकदम शांत है, जैसे उसे कोई तकलीफ हो रही हो। तभी उनमें से एक टूरिस्ट ध्यान देता है, उसके माथे पर एक छोटा सा छेद है और उससे खून बह रहा है। वहां मौजूद टूरिस्ट तुरंत रेस्क्यू करने लोगों को बुलाते हैं। रेस्क्यू करने वाले लोग वहां पहुंचकर सबसे पहले उस हाथी को बेहोश करते हैं और ट्रीटमेंट के वक्त पता चलता है उस हाथी को माथे पर गोली लगी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो गोली हाथी के भेजे में न घुस के उसकी हड्डी में फंस गई। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में हर साल हजारों हाथियों की तस्करी करने वाले लोग इन्हें मार डालते हैं। हाथी को सबसे ज्यादा इसलिए मारा जाता है ताकि वे उनके दांतों को पा सके। दोस्तों अब आप इस ऑक्टोपस को देखिए। दरअसल हुआ ये कि एक छोटा सा समंदर के किनारे रेत में दब जाता है। रेत का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ऑक्टोपस उससे बाहर नहीं आ पाता। लेकिन तभी समंदर किनारे मौजूद एक शख्स की नजर ऑक्टोपस के ऊपर पड़ जाती है। वो आदमी तुरंत उस ऑक्टोपस को रेत से बाहर निकाल देता है। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं बाहर निकलने के बाद ऑक्टोपस वहां से जाने की बजाय आदमी के और करीब आने लगता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑक्टोपस की याददाश्त बड़ी तगड़ी होती है और वो बहुत अच्छी तरह से चीजों को पहचान भी सकता है। शायद यही वजह है कि वो ऑक्टोपस उस इंसान को शुक्रिया अदा करना चाह रही हो। दोस्तों समंदर में इंसानों के द्वारा फैलाए गए कचरे की वजह से हर साल करोड़ों समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। जैसे कि अब आप इस वीडियो को देख लीजिए, हुआ ये कि डॉल्फिन का एक बच्चा समंदर में पड़े हुए एक जाल में फंस जाती है और वो इतने बुरे तरीके से फंस जाती है कि अपना मुंह भी नहीं खोल पाती। लेकिन तभी वहां मौजूद एक डाइवर की नजर उस डॉल्फिन पर पड़ जाती है। वो तुरंत डॉल्फिन के बच्चे को पकड़कर अपने बोट में लाता है और फिर सावधानी के साथ उस डॉल्फिन के बच्चे को जाल से आजाद कर देता है। अगर वो आदमी ऐसा नहीं करता तो शायद ये डॉल्फिन बिना खाए ही मर जाती। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में आने वाले बाढ़ की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है और दुनिया भर में बहने वाले इन जल सैलाब से कितने जानवरों की मौत होती है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए जिसमें बाढ़ आया हुआ है और शहर में कुत्ता फंसा हुआ है। वैसे तो ऐसी स्थिति में रेस्क्यू करने वाले लोग सिर्फ इंसानों को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार रेस्क्यू करने वाले लोगों ने इस कुत्ते को भी बचा लिया। वे लोग तुरंत अपना बोट उस कुत्ते के पास लेकर जाते हैं जो खिड़की को पकड़कर आधा पानी में डूबा हुआ 2 दिन से पड़ा हुआ था। कुत्ता तुरंत उस बोट के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मदद की जरूरत सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी होती है। यकीनन आप वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी किसी जानवर की मदद जरूर किए होंगे। अगर आपने सच में ऐसा किया है तो आप अपनी कहानी कमेंट में बताइए ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।